पंचायत बराज में यह विद्यालय कन्या विद्यालय स्थापित है, जिसमें बहुत सी परेशानियां हैं। यहां की बिल्डिंग, इस विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर है, कई जगह से दीवार फटी हुई है, यह छत से पानी चू रहा है, लगता है यह बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाता हो, और यह बिल्डिंग गिरने की आशंका है, बहुत पुरानी हो चुकी है। इस बिल्डिंग में छात्रों को पढ़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह कई जगह से दरार पड़ चुकी है इसमें, और बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। यह बिल्डिंग पुरानी है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पानी पीने के लिए दूसरे विद्यालय जाते हैं, और वहाँ से विद्यालय से जा करके पानी पी करके फिर अपने पुनः विद्यालय को छात्राएँ आती हैं, जिससे उनको काफ़ी समय नष्ट होता है, और खेल का मैदान भी नहीं है यहाँ पर, जिससे छात्राएँ अपने भविष्य के खेल का कोई खेल नहीं खेल पा रही हैं, जिससे शारीरिक विकास भी रुका हुआ है। इस तरह से इस विद्यालय में बहुत सी परेशानियां हैं। तो पानी हैंडपंप आपके इस विद्यालय में नहीं है? नहीं। तो कहाँ पानी पीने कहाँ जाती हैं, कहाँ से मिलता पानी, कहाँ कितनी दूर? थोड़ी दूर है, थोड़ा सा स्कूल बड़ा होना चाहिए, और बच्चियों के हिसाब से, क्योंकि दर संख्या जो है हमारे यहाँ की 87 है, तो और खेलने का मैदान कम है। हाँ। तो स्कूल और बड़ा होना चाहिए इसके लिए, और पानी की समस्या है, पानी के लिए बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, 10 मीटर दूर जाना पड़ता है, 10-20 मीटर दूर। तो क्या आपने इस पानी की समस्या के लिए आवेदन कहीं दिया है? कब कब और कहाँ दिया? हमारे यहाँ बोलते हैं। हाँ। लगवाने के लिए तो बोल रहे हैं। हाँ। पर यहाँ पे जगह नहीं है लगवाने के लिए, स्कूल बड़ा हो, ग्राउंड हो, तो फिर व्यवस्था भी हो जाए, ऐसा बोलते हैं सर लोग। जिसका बदलाव श्रीमान डीईओ महोदय जी ला सकते हैं, कृपया। इनका नंबर है MK Dwivedi 9425-16-76-17 है, जिस पर कॉल कर इन पर दबाव बनाएं, और पुनः बिल्डिंग बनवाए जाने के लिए इनसे आग्रह करें। मैं लक्खू प्रसाद, पन्ना जिला से, इंडिया अनहर्ड के लिए।